हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का श्री विज्ञान प्रकाश में। तो आज की तारीख है 31 जुलाई, और आइए शुरू करते हैं आज के दैनिक रोजगार समाचार। देखिए 72,825 से शुरू करते हैं, क्योंकि आप लोग लगातार कमेंट कर रहे हैं कि 72,825 में जो 26 जुलाई को सुनवाई हुई थी, सर उसमें क्या हुआ। तो मैं आपको बता दूँ, जो लोग नहीं जानते हैं, थोड़ा सा मैं उनको पहले जो बैकग्राउंड है उसके बारे में बता दूँ कि 72,825 पर दो विज्ञापन जारी हुए थे। जो पहला विज्ञापन जारी हुआ वो 2011 में जारी हुआ था, उस समय BSP की सरकार थी, और ये जो 72,825 भर्ती आई थी वो टेट के स्कोर पर होनी थी, लेकिन सरकार बदल गई और 2012 में फिर समाजवादी पार्टी की सरकार बनी। 72,825 की एक नई विज्ञप्ति जारी हुई, जो कि एकेडमिक के आधार पर आगे बढ़नी थी, क्योंकि जो पहला वाला विज्ञापन जारी हुआ था इस पर कुछ अभ्यर्थियों ने कुछ तकनीकी दिक्कत लगाए थे, कुछ आरोप लगाए थे, जिसकी वजह से अखिलेश सरकार ने एक नया विज्ञापन ही जारी कर दिया था और पूरे विज्ञापन को, पुराने विज्ञापन को रद्द कर दिया था। लेकिन मुझे याद आ रहा है कि 72,825 में एकेडमिक के आधार पर काउंसलिंग चल रही थी, शायद 4 जनवरी की तारीख थी वो, और जब कोर्ट से ये आदेश आया कि जो नया वाला विज्ञापन है एकेडमिक के आधार पर, इसको रद्द कर दिया गया, पुराना विज्ञापन जो था उसको फिर से बहाल किया गया, और इसके बाद 72,825 की जो भर्ती थी ये टेट के स्कोर पर ही जो पूरी हुई थी। लेकिन फिर भी 72,825 पद नहीं भरे गए थे, इसमें लगभग 6 से 7 हज़ार पद ऐसे थे जो कि खाली रह गए थे। अब यहाँ पर जो मामला है वो 72,825 एकेडमिक का है, यानी कि सपा सरकार के समय जो आवेदन लिए गए थे। तो बाद में ये भी हुआ था, आपने सुना होगा कि फ़ीस वापसी की बात की गई थी, लेकिन फ़ीस वापसी भी पूरी तरह से नहीं हो पाई थी, और यहाँ पर कई सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो कि मामला अब सुप्रीम कोर्ट में है। तो सुप्रीम कोर्ट में 26 जुलाई को भी हियरिंग थी, और इसमें आप देख रहे हैं कि सुनील कुमार यादव एंड अदर्स वर्सेज स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश एंड अदर्स, तो इसका जो ऑर्डर है वो आपके सामने है। इसमें जो कोरम हुआ वो ऑनरेबल जस्टिस श्री उदय उमेश ललित जी थे, और ऑनरेबल जस्टिस श्री अजय रस्तोगी जी थे, दोनों ये दोनों जो जज थे, इन लोगों की बेंच थी। और इसमें जो ऑर्डर आया है वो क्या आया है आप देख सकते हैं यहाँ पर, कि परमिशन टू फाइल SLP इज़ ग्रांटेड, हर्ड मिस्टर कपिल सिब्बल लर्न सीनियर एडवोकेट, इट इज़ एक्सेप्टेड दैट इन टर्म्स ऑफ द ऑर्डर डेटेड 2 नवंबर 2018 द अमाउंट डिपॉजिटेड टूवर्ड्स प्रेस्क्राइब्ड फीस हैव बीन रिफंडेड टू द कंसर्न कैंडिडेट, वी हैव गॉन थ्रू द इंस्टेंट मैटर, वी सी नो रीजन टू इंटरफियर, द स्पेशल लीव पेटिशन इज डिसमिस्ड, पेंडिंग अप्लीकेशंस इफ एनी सेल स्टैंड डिस्पोज ऑफ। तो यहाँ पर देखो जो बात कही गई वो ये है कि क्योंकि फ़ीस वापसी कर दी गई है, मामला काफ़ी पुराना है, तो अब हम इसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पर जो अभ्यर्थी हैं वो ये कह रहे हैं कि क्योंकि अभी फ़ीस वापसी पूरी तरह से नहीं हुई है, इसलिए इस पर जो सुनवाई आगे बढ़ सकती है। फिलहाल अभी जो अभ्यर्थी हैं वो तैयारी कर रहे हैं, और यहाँ पर ये जो ऑर्डर आया है उसके आधार पर आगे बढ़ने की बात अभी कही जा रही है। और जो यहाँ पर पेटिशनर हैं वो ये कह रहे हैं कि उन्हें ऑर्डर में ही संजीवनी मिल गई है, मतलब अभी ये जो लड़ाई है वो रुकी नहीं है, आगे ज़रूर बढ़ेगी, और देखते हैं कि आगे क्या होता है। तो 26 जुलाई को जो सुनवाई हुई थी उसके बारे में ये था पूरा, एकदम सही सही न्यूज़ आपके सामने है। और अभी अभ्यर्थी जो हैं, जो यानी कि जो पेटिशनर हैं, वो आगे बढ़ने की सोच भी रहे हैं। और जैसा कि आप जानते हैं CBSE के परिणाम जारी कर दिए गए हैं, कल ही 12वीं में 99.37% पास हुए हैं। UP बोर्ड का नतीजा आज आने वाला है दोपहर लगभग 3 बजे या 3:30 बजे के आसपास। हालांकि मैंने देखा है कि यूपी बोर्ड के जो नतीजे होते हैं वो अक्सर अगर 12 बजे हुआ तो शाम को 6 बजे आते हैं, देखते हैं कब आता है, परिणाम तो आज ही आना है। और इस बार क्योंकि परीक्षा ही नहीं हुई थी, तो पिछले कुछ जो एक फार्मूला बनाया गया था 40-30-30 का, उसी फार्मूले के आधार पर जो परिणाम जारी हुआ है, तो इस बार मेरिट जारी नहीं की गई है। और जितने भी अभ्यर्थी सफल हुए सभी को शुभकामनाएं, आगे ज़िंदगी में और भी परीक्षाएं होनी है जिसमें आपको अपनी योग्यता सिद्ध करनी होगी, उसके बाद ही जीवन में कुछ अच्छा पारितोषिक मिलेगा। वरना आप देख ही रहे हैं कि कितने ही लोग हैं जो वेल एजुकेटेड कहे जाएंगे लेकिन वेल इस्टेब्लिश्ड नहीं हो पाए। आप देख रहे हैं कि लोग PhD तक करके मतलब क्या जॉब कर रहे हैं, आप खुद ही अवगत हो रहे होंगे, कहने की ज़रूरत नहीं है कि शिक्षा से नहीं, जब तक आप अपनी काबिलियत साबित नहीं कर देते हैं, जब तक एक अच्छा जो है इकोनॉमिकल बैकग्राउंड आप अपने लिए नहीं बना लेते हैं, तब तक तो भाई शिक्षा का तो आजकल अर्थ भी यही हो गया है कि एक मतलब ठीक ठाक तरीके से अगर आप पैसे कमा रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर लोग आपको अंडर एस्टिमेट ही करते हैं, आगे बढ़ते हैं, लेकिन आपको अंडर एस्टिमेट नहीं होना है, ठीक है।
आपको जो है मेहनत करनी है, अपनी योग्यता को साबित करना है। और देखो, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी से विश्वविद्यालय में रिक्त प्रोफेसर के 18 पद, एसोसिएट प्रोफेसर के 17 पद और असिस्टेंट प्रोफेसर के 54 पदों पर इसमें ऑनलाइन आवेदन जो हैं वो आमंत्रित किए गए हैं। तो इसे आप महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ .ac.in पर जाकर, ये वेबसाइट है mgkvp.ac.in पर जाकर आप इस नोटिफिकेशन को देख सकते हैं। 31 अगस्त तक लास्ट डेट है जिस पर आप आवेदन कर पाएंगे। जो तो यहाँ पर जो पूरी जानकारी है वो मैं आपको एक अलग वीडियो के माध्यम से देना चाहूँगा ताकि आप हर बात को ठीक से समझ सकें, और नोटिफिकेशन भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध हो जाएगा। SSC की परीक्षाएं जो हैं वो शुरू हो रही हैं 4 अगस्त से। तो जैसा कि आप जानते हैं, कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल 2020 का कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। परीक्षा अप्रैल में प्रस्तावित थी लेकिन कोविड के कारण 9 दिन बाद ही परीक्षा बीच में रुक गई थी, और SSC अब 4 से 12 अगस्त तक शेष परीक्षा का आयोजन कराने जा रहा है। परीक्षा उत्तर प्रदेश और बिहार के 18 जिलों में आयोजित की जाएगी। तो यहाँ पर परीक्षा एक एक घंटे की 3 पालियों, सुबह 9 से 10, दोपहर 12 से 1 और अपराह्न 3 से 4 बजे तक आयोजित होगी। अभ्यर्थी जो है परीक्षा से 3 दिन पहले SSC की वेबसाइट से अपना प्रश्नपत्र डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये जानकारी है SSC CHSL से संबंधित। आगे बढ़ते हैं और देखिए, TGT जीव विज्ञान की परीक्षा आज हो रही है। तो जितने भी अभ्यर्थी शामिल हो रहे हैं परीक्षा में, सभी को बेस्ट ऑफ लक है। अगर आप इस न्यूज़ को सुन के जा रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आप प्रश्नपत्र पर जो इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं उसको पढ़ लें, और मास्क, सैनिटाइज़र और काली बॉल पॉइंट पेन लेकर जरूर जाइएगा। ये चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। और जैसा कि आप जानते हैं कि अगली परीक्षा जो होगी वो 2011 TGT PGT की है, जो कि 7 और 8 अगस्त को होनी है। PGT की परीक्षाएं तो 17 और 18 अगस्त को होनी है, तो समय काफ़ी कम बचा हुआ है और अब आपके रिवीजन का वक्त है। तो अभी भी वक्त है, देखो अच्छे से पढ़ो और आत्मविश्वास के साथ परीक्षा दो। कभी कभी किस्मत भी साथ देती है, लेकिन किस्मत तो तभी साथ देगी ना जब आप पढ़ोगे, खुद थोड़ी सी मेहनत करोगे। ग्राम सचिवालयों में जो 58,189 पदों की भर्ती होने वाली है, हालांकि इसमें मामला जो है CSC वाले कोर्ट लेकर भी जाने की तैयारी कर रहे हैं, ऐसी सूचना भी प्राप्त हो रही है। लेकिन अभी फ़िलहाल आज से इसको डिक्लेयर किया जाएगा, आज से हर गांव में मुनादी होगी, हर गांव से एक आदमी, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो, इस पंचायत सहायक कम डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए चुना जाएगा। यहाँ पर देखो, जो विज्ञापन जारी हुआ है ये विज्ञापन डाटा एंट्री ऑपरेटर का है, लेकिन यहाँ पर एलिजिबिलिटी सिर्फ इंटरमीडिएट मांगी गई है। इसमें कंप्यूटर साक्षर लोगों को, मतलब TCC वगैरह की योग्यता नहीं मांगी गई है। तो देखते हैं कि, और इसी यही वजह है कि जो सहज जनसेवा केंद्र वाले हैं वो कोर्ट जाने की तैयारी भी कर रहे हैं। देखते हैं कि इसमें आगे क्या होता है, और इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो मैंने आपको पहले ही उपलब्ध करवा दिया था। अगर आपने नहीं देखा है तो इसका लिंक मैं दे दूंगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो पूरी जानकारी आपको वहाँ पर मिल जाएगी कि वेतन कितना मिलेगा, नियुक्ति कैसे होगी, किस प्रकार से आवेदन लिए जाएंगे, आवेदन का जो प्रारूप है वो क्या होगा। तो फॉर्म वगैरह अगर आपने अभी तक प्राप्त नहीं किया है तो studywithgyanprakash.com पर आपको फॉर्म का प्रारूप भी मिल जाएगा, उसको आप टाइप करवा लीजिए, प्रिंट आउट ले लीजिए, या फिर सीधे सीधे अपने एक वाइट पेपर पर लिख कर भी आप जमा कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप उसको टाइप ही करवाएं। DSSB, TGT और अन्य पदों पर जो शिक्षक भर्ती होनी है और अन्य कर्मचारियों की जो भर्ती होनी है उसका टाइम टेबल आप देख रहे हैं। तो यहाँ पर जो एग्जामिनेशन शेड्यूल है वो जारी कर दिया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, डेट एंड डे ऑफ एग्जामिनेशन, शिफ्ट, एडवर्टीजमेंट नंबर, पोस्ट कोड और पोस्ट नेम। तो TGT मैथ मेल और TGT मैथ मेल के साथ साथ मैथ फीमेल की जो परीक्षा होनी है तो ये कब होनी है, 2 सितंबर और 4 सितंबर को। इसके अलावा जो अन्य विषय हैं इसको आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये पूरी लिस्ट आपको studywithgyanprakash.com पर भी उपलब्ध हो जाएगी, वहाँ पर भी जाकर आप इसे देख सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पर भी मैं ये जो लिस्ट है पूरी शेयर कर रहा हूँ, तो वहाँ पर जाकर आप देख लीजिएगा। जो भी संबंधित विषय है आपका, तो वो संबंधित विषय जो है उसमें एग्ज़ाम कब होना है, किस प्रकार से एग्ज़ाम होना है, सारी जानकारी आपको यहाँ पर उपलब्ध करवा दी गई है। आपको बस इतना बता दूँ कि 14 सितंबर तक परीक्षा होगी, 2 सितंबर से परीक्षा स्टार्ट हो रही है। लास्ट पेपर जो है ये TGT साइंस फीमेल के लिए होगा, ठीक है। और कुछ नोटिस, कुछ इंस्ट्रक्शंस भी यहाँ पर दिए गए हैं, तो इस इंस्ट्रक्शंस को भी आप पढ़ लीजिएगा, इसको पूरी तरह से फॉलो करिएगा। और देखिए, कोविड का समय चल रहा है तो यहाँ पर कोविड से सेफ्टी के रूल जो हैं वो तो आपको फॉलो करने ही चाहिए, चाहे वो इंस्ट्रक्शंस में हो या फिर ना हो। और इसी के क्रम में थोड़ा सा और आगे बढ़ें तो कोरोना संक्रमण में पहले के मुकाबले भारी कमी अभी देख रहे हैं आप।
तो कई सारे ऐसे प्रदेश हैं जैसे कि मध्य प्रदेश, बिहार और हिमाचल प्रदेश, दोनों ने कक्षा 9वीं से 12वीं तक के स्कूलों को अपनी सहूलियत के आधार पर खोल दिया है। हालांकि दिल्ली, उत्तर प्रदेश सहित कई राज्य अभी इसको लेकर असमंजस में हैं। तो अगले सप्ताह एक मीटिंग बुलाई जानी है शिक्षा मंत्री के साथ, अन्य राज्यों से संबंधित जो अधिकारी होंगे, मुख्यमंत्री होंगे, शिक्षा मंत्री होंगे, और निर्णय ये लिया जाएगा कि किस प्रकार से ये जो स्कूल और कॉलेज हैं उनका संचालन किस प्रकार से होना है, और कॉलेज कब से खोले जाएँ, किस प्रकार से खोले जाएँ, कौन कौन सी सावधानी यहाँ पर बरती जानी चाहिए। फिलहाल अभिभावकों और छात्रों की ओर से इस पर सवाल उठाए जा रहे हैं और शिक्षा मंत्रालय ने सभी राज्यों के साथ इस पर चर्चा करने का फैसला लिया है। अगले हफ्ते राज्यों के साथ इस मसले पर चर्चा हो सकती है। चर्चा में केंद्रीय शिक्षा मंत्री भी मौजूद रह सकते हैं। शैक्षणिक संस्थानों के बंद होने को लेकर सवाल इसलिए भी उठाए जा रहे हैं क्योंकि कोरोना संक्रमण में कमी के बाद बाजार, मॉल, क्लब, सिनेमा आदि पहले जैसे सामान्य स्थिति में बहाल कर दिए गए हैं। ट्रेनों और बसों में सामान्य आवाजाही भी शुरू हो गई है। 12वीं का रिजल्ट आने के बाद अब उच्च शिक्षण संस्थानों में दाखिला भी शुरू होगा। आने वाले दिनों में नीट जैसी बड़ी प्रतियोगी परीक्षा भी होने वाली है। ऐसे में शैक्षणिक संस्थानों को बंद रखा गया तो समस्याएं बढ़ सकती हैं। हालांकि शिक्षा मंत्रालय ने सभी राज्यों से शिक्षकों और शैक्षणिक संस्थानों में काम करने वाले कर्मचारियों की वैक्सीनेशन की भी रिपोर्ट मांगी है। साथ ही CBSE और UGC को निर्देश दिए हैं कि वे स्कूलों और उच्च शिक्षण संस्थानों में अब तक हुई वैक्सीनेशन की पूरी जानकारी जुटाएं और यह सुनिश्चित करें कि शिक्षण संस्थानों से जुड़े सभी कर्मचारी वैक्सीनेटेड हों। और देखिए फ्रेंड्स, इसी के साथ ये सेशन आज यहीं पर समाप्त करते हैं। और करंट अफेयर का वीडियो चैनल पर अपलोड हो चुका है, उसको आप लोग देख लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आज। और आपको बता दें कि डेली टॉप 5 का जो समय है, बहुत ही अच्छे प्रश्न है, आप लोगों का बहुत ही अधिक समर्थन मिल रहा है। सभी को हार्दिक धन्यवाद, दिल से मैं आप लोगों की सराहना करता हूँ आप लोगों की मोटिवेशन के लिए और इस सपोर्ट के लिए। तो देखिए, जो 11 AM होता है, इस समय हम डेली टॉप 5 MCQ शुरू करते हैं डिस्कस। तो ये बहुत ही शानदार सेशन होता है। अभी तक 2 वीडियो अपलोड हुए हैं, दोनों का लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ, उसको जाकर आप लोग देख लीजिएगा और ख़ुद निर्णय लीजिए कि ये सेशन आपको कैसा लगता है और अपने निर्णय से हमें अवगत भी करा दीजिएगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। शीघ्र मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में। आगे दीजिए नमस्कार। जय हिंद।